ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। जो पार्ट 10 है वो मैं फिर से आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शायद मुझसे बाय मिस्टेक कल वाला ही पार्ट 9 था वही अपलोड होगा। ओके, हम जो कल एग्जांपल दिए थे उसके साथ स्टार्ट करेंगे। किए आप लोगों ने सॉल्व वो एग्जांपल? वो हम ठीक है, उनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो कल हमने दिया था वो था लॉ ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। लॉ ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूं। लॉ ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया यहाँ पे क्या बनाया आपने आंसर? सर 343 पॉइंट 54 04 02। ओके, और कोई? 04 04 04 04 ना? हाँ जी सर, सेम है मेरा भी। सेम है सर, सबका सेम आ रहा है। ठीक है, गुड। जब सबका सेम आ रहा है ना तो उसके चांसेस नहीं सर, मेरा अलग आ रहा है। आपका अलग है, बोलिए क्या अलग है? 340 जीरो क्यों आएगा? आप बोलिए। 0.454 जी सर। 340 में कैसे जाएगा? ये जनरल नहीं है ना। चलिए शेयर करते देखते हैं। सर 04 में हमारा टैक्स का दे रखा था तो मैंने वहां से 04 ले लिया। देखिए, सबसे पहले आपको है ना, एक टर्म आपको नहीं पकड़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, 340 जो जनरलिटीज ऑफ लॉ है, और आप 340.454, तो 4 तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है 4? 340 में 4 तो है ही नहीं सर। सब क्लासेस में था। सब क्लासेस में कहाँ है? सब क्लासेस में 340 के सब डिवीजन में तो 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, मैंने शेयर किया है। देखिए 340 के सब डिविजन से यहाँ पे 3 के बाद सीधा 5 है, आपको 4 कहाँ पे दिखा? आपने शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। ऐसा नहीं है कि आपने गलत बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर गए या फिर सब डिविजन गलत लिया। ठीक है, ओके, वो दूसरा देखते हैं फिर। 343 में बनाया है ना सभी ने? यस सर। पब्लिक लॉ, वहां पे आपने क्या लिया? 04 ये रहा टैक्स लॉ। ओके, ठीक है, सही है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से सभी को, करेक्ट है। ठीक है, 343 बेस नंबर, ठीक है, फिर 54 कंट्री का नंबर, और उसके बाद 04 04। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तो ऐसे समझ में आएगा। 34 बेस नंबर, सेकेंड में ब्रांच ऑफ लॉ, उसके बाद कंट्री कोड, और लास्ट में सब डिवीजन। करेक्ट है ये।
दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन कौन सा था? लेबर लॉज इन जर्मनी. यस सर बताएं. सर ये 04 हमने कहाँ से लिया ये बता दीजिए एक और, क्योंकि ये 04 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ. 343 के अंदर है ना सब डिविजन है 04. जो मेन क्लास है 343 पब्लिक लॉ, और पब्लिक लॉ के अंदर सब डिविजन है 04. तो 343 और उसके सब डिविजन के बीच में हमको कंट्री का कोड लगाना है. ओके सर समझ गए है ना. तो वो जो सब डिविजन लगाने से पहले आपको कंट्री का कोड ऐड करना है. ओके लेबर लॉज इन जर्मनी क्या नंबर बना है? 3 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1
का अलग नहीं है, ठीक है, यानी सही होगा, ये चेक कर लेते हैं। थ्री फोर फोर सोशल लॉ, ठीक है, तो 344 के बाद में कंट्री कोड आ जाएगा जर्मनी का। जर्मनी का कंट्री कोड क्या है? 43। फोर थ्री जर्मनी, ओके, जर्मनी का कंट्री कोड आ गया। और उसके बाद इसका सब डिविजन है लेबर के लिए 01, तो आपका ये भी नंबर सही है, आपका नंबर हो गया 344, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 34 + 4 + 43 + 01, ठीक है, करेक्ट नंबर है ये, और ये बन जाएगा 344.4301, ठीक है, ये सही नंबर है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नंबर सही है। नेक्स्ट है जुवेनाइल प्रोसीजर इन इंग्लैंड, जुवेनाइल प्रोसीजर इसमें क्या बनाया है? 3345 सर, mistake, 0.34208, 3445.42408 यही है, सेम है सर, सेम है, ठीक है, देखते हैं। क्रिमिनल लॉ में ना, थ्री फोर फाइव में लिया है क्या? ये भी सही है आपका। थ्री फोर फाइव या फिर 3445 + क्या, कौन सी कंट्री थी? 42 इंग्लैंड, यस सर, प्लस 08, ठीक है, सही है ये भी, तो ये नंबर हो जाएगा 345.4208, ठीक है, ये भी सही है। यानी लॉ के नंबर आप लोग बना लोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना,
बस इसको याद रखिएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन श्रीलंका. नेक्स्ट वाज लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये नंबर बनाया, क्या बना इसका? 3 4 6 3 4 6 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
मुझे कंट्री का नंबर श्रीलंका का नंबर नहीं मिला, बाकी मेरा 346023 है। 346.03 सर मुझे कर... हाँ जी श्रीलंका कंट्री का नंबर नहीं मिला, इंडिया के आसपास, इंडिया के बाद ही होता है ना, इंडिया के आसपास। हाँ आसपास ही है लेकिन मुझे मिला नहीं जो भी है, बाकी मेरा 03 है। ठीक है, यानी ये मिल के आपको यानी सब पता है कि आपको कंट्री कोड नहीं मिला है। सर मेरा है 346। किसी का और भी है क्या? नो सर सेम है, फर्स्ट वाला ही है, सेम टू सेम फर्स्ट वाला ही है ना। ठीक है ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सर ये इंग्लैंड का कोड 42 है। क्या हुआ अमित? इंग्लैंड का कंट्री कोड सर 42 है। 42 यस 42। सर यहाँ पर एक जगह मुझे मिला है सर 41। देखते हैं अभी, देख लेते हैं वो तो जो नंबर होगा वही होगा। देखिए टोर्ट सियरा 03 ठीक है, तो ये नंबर होगा 346 या फिर 34+6 प्लस श्रीलंका का नंबर क्या है 5492 5493 यस सर प्लस ये जो सब डिवीजन है 03 ये आएगा, तो फाइनल नंबर होगा 346.549303 ठीक है, ये नंबर होगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले श्रीलंका का नंबर कहाँ क्यों नहीं मिला। श्रीलंका का नंबर आएगा 5 में और इंडिया के आसपास है, तो हमें 54 के बाद देखना है उसको। 54 ये पाकिस्तान है यहाँ पे ठीक है, बांग्ला 5492 बांग्लादेश है और 5493 ये लिखा है ना श्रीलंका। ठीक है और अमित का क्वेश्चन है 41 मिल रहा है इंग्लैंड, इंग्लैंड है, इंग्लैंड एंड वेल्स। 41 जो है ना ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में 3 देश आते हैं यूके में, और इंग्लैंड के लिए यहाँ पे अलग से नंबर दिया हुआ है इसलिए हमने 42 इंग्लैंड लिया। वैसे इंग्लैंड हम जब बोलते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन ही बोलते हैं, लेकिन जो यूके है ग्रेट ब्रिटेन यूके, उसमें 3 देश होते हैं, आयरलैंड होता है, स्कॉटलैंड होता है और इंग्लैंड होता है, तीनों मिला के ग्रेट ब्रिटेन बना, लेकिन यहाँ पे फिर उसको अलग किया हुआ है ठीक है, इसलिए 42 हमने इंग्लैंड लिया है। अगर ब्रिटेन लिखा हुआ होता या यूके लिखा होता यूनाइटेड किंगडम, तो फिर हम उसमें 41 लेते ठीक है। अमित आया समझ में? यस सर।
है ना, देखिए ये फोर, ये फोर वन है ना, यहाँ पे देखिए स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को फोर वन में काउंट किया हुआ है और फोर टू में इंग्लैंड को ऐड किया हुआ है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है ये करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एनाटॉमी ऑफ लंग्स ऑफ हॉर्सेस। ये बनाया है सर, इसका ना पूरा कंप्लीट तो नहीं बन पाया मेरे से, बट 611.24 नहीं आएगा, 611 में नहीं आएगा, वो मेडिसिन है सर। मेरा भी पूरा नहीं बना, मैं बताऊं 599 बोलिए, मुझे सब बोलोगे एक साथ तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है, ठीक है, कोई भी एक एक बोलिए। 617.71 सर, वो समझ नहीं आया उसके आगे आई वाला है। और बोलिए सर, 19 आप बोलिए, एक एक बोलिए, एक एक बोलिए, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ कीर्ति, कीर्ति पहले अभिनव को बोलने दीजिए, फिर कीर्ति का नंबर है, चलिए मैं सबको नंबर लगाता हूँ। हाँ अभिनव बोलिए फटाफट, अभिनव को बोलने दीजिए, अभिनव को बोलने दीजिए। हाँ अभिनव बोलिए, 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 ये है। और नेक्स्ट चलिए कीर्ति बोलिए सर, मेरा दोनों दो नंबर आया है, एक एनाटॉमी ऑफ लंग्स का अलग और हॉर्स का, दोनों अलग आया। अलग अलग कैसे आएगा, एक ही नंबर बनना चाहिए ना, यही तो मैजिक है, आप दो नंबर नहीं बना सकते। एनाटॉमी ऑफ लंग्स का क्या बन रहा है, बनाएंगे जाएंगे तो 611.24 और सर हॉर्स का आया है 5 9 9 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5
सर मेरा भी आया 611 6.24 अच्छा ठीक है, इसमें आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, जो इसमें आ गया है ना उसको वो मत रिपीट कीजिए, इसके अलावा कोई नंबर है तो बताइए। यस सर। ठीक है बस इतना ही है। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए ज्योति। हाँ मेरा ये ऑटोनॉमी का नंबर एक अलग मिला है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आता है, साथ ही साथ अपना ये एनिमल्स के अंदर भी आता है, तो मुझे ये एक नंबर ये अलग मिला। हाँ बोलिए बोलिए। लंग्स का नंबर मुझे ये है ना। हाँ बोलिए। तो हमें ये लंग्स हॉर्स के अंदर ढूंढना था। यस। तो मुझे इसमें नहीं आया, अगर हम एनिमल्स 590 में जाते हैं या फिर लाइफ साइंस में जाते हैं 570 ठीक है, तो मेरा 591 में मिला मुझे ऑटोनॉमिक का नंबर और 542 मिला मुझे लंग्स का नंबर। सर ये दोनों बहुत अलग अलग मिले मुझे। कौन कौन सा मिला है आपको?
मुझे मिला ऑटोनॉमी का नंबर मिला 591.4 और लंग्स का मुझे नंबर मिला 542 ओके ये दोनों मुझे अलग अलग नंबर मिले लेकिन ये हॉर्स ऑफ लंग्स ऑफ हॉर्स एक जगह नहीं मिला मुझे सर अच्छा लंग्स ऑफ हॉर्स लंग्स एंड हॉर्स ये दोनों आपको एक जगह नहीं मिला नहीं मिला सर, सर। ठीक है हाँ बोलिए साइंस वगैरह में सर साइंस में टेबल वगैरह का यूज नहीं होता क्या साइंस में टेबल का यूज हो सकता है ना लेकिन टेबल इसमें टेबल्स का यूज नहीं है ये जो एग्जांपल है ना इसमें टेबल्स का यूज नहीं है वैसे और एग्जांपल में होता होगा राइट हाँ तो सर हाँ। एक चीज और मुझे पूछना है हाँ। क्या हम ये कैसे बात प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए सिस्टम ये माइक ऑफ कर लीजिए मुझे ये पूछना है सर कर लिए ना उसको ये क्या हम ये 500 वाले सेक्शन और 600 वाले सेक्शंस को मतलब प्रॉपर एक साथ ले सकते हैं इस तरीके से 500 वाला और 600 वाला कुछ जगह एक साथ आ सकता है कुछ जगह ठीक है लेकिन वहां पे इंस्ट्रक्शन होते हैं या तो 500 में लिखा होगा कि 600 में से नंबर लीजिए या 600 में लिखा होगा 500 में से नंबर लीजिए तभी आप उसको साथ में ले सकते हो नंबर क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑटोनॉमी दोनों जगह मुझे चाहिए मतलब दोनों में ही आप यूज कर सकते हो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हाँ एनाटॉमी तो ह्यूमन और एनिमल दोनों में आता है एनाटॉमी ह्यूमन और एनिमल दोनों में आता है और चूंकि ये एनिमल है इसलिए जो 611 610 से लेके 619 तक का तो नंबर बनेगा ही नहीं इसमें ठीक है सर दो ही नंबर बनेंगे 570 से लेकर के 590 में बनेगा बिकॉज एनिमल और एटोनॉमी इधर ही मिलेगा अच्छा ये लाइफ साइंस में ये एनिमल से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट होता है सर आ रहा है ना ये 590 के अंदर बिकॉज हमारे पास हॉर्स का नाम है यहाँ पे हाँ नहीं नहीं और कौन सा सब्जेक्ट होता है जूलॉजी एनिमल जो है ना एनिमल्स वो पालतू जानवर होते हैं जूलॉजी का हाँ हाँ ठीक है पालतू जानवर है ना हॉर्स हाँ जी तो पालतू जानवरों के लिए एक सब्जेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री ये ढूंढा किसी ने ट्राई किया कहाँ है सर एनिमल हस्बेंड्री में नहीं 599.725 में है हॉर्स एनिमल हस्बेंड्री आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा नहीं ढूंढा ढूंढा वहां पे हॉर्स नहीं मिला फिर ये तो 500 और 600 मैच करना पड़ेगा बिकॉज 600 में है आपका एनिमल हस्बेंड्री 636 पे है सर 6 में तो हॉर्स नहीं है इसमें ही है पर हॉर्स का नंबर तो सर 725 मिल गया था यस सर ठीक है चलिए देखते हैं एनाटॉमी सर 42 मिल गया था एनिमल का चलिए सॉल्व करते सर हाँ बोलिए सर जो फर्स्ट वाला है ना वो मैं 6 का बता दी सर्जरी ऑफ आईज का वो हाफ बना था तो मिस्टेक हो गया मैं यही बोल रही थी कि ये तो सर्जरी ऑफ आई का नंबर है वो भी मैं बना दूंगा वो दोनों में बना दूंगा दोनों बनेंगे कोई बात नहीं है ठीक है हम पहले ये वाला देखते हैं ठीक है एनिमल हस्बेंड्री में आपको जाना है एनिमल हस्बेंड्री में आपको हॉर्स नहीं मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर हॉर्स का नंबर 725 है नहीं सर है 636.1 है हॉर्सेस का 636.1 ठीक है अब इसको है ना आप सभी का गलत है ये इसलिए इसको आराम से ध्यान से देखिए ठीक है सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में जाना है एनिमल हस्बेंड्री का नंबर है 3636 ठीक है और 636 में ये पहले जो ये जनरल सब डिविजन है और देखिए ये जो वन है ना वन ये है हॉर्सेस देखा यस सर तो आपका बेस नंबर क्या हो गया
यहाँ पे अभी आपको लिख के रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपका बेस नंबर है 636.1, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए जनरल प्रिंसिपल्स में क्या लिखा हुआ है, जनरल प्रिंसिपल्स में क्या लिखा हुआ, एड टू बेस नंबर 636.10, तो हमारा बेस नंबर यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, 636.10 प्लस द नंबर फॉलोइंग 636.0 इन 01 to 08, ठीक है। इसी के अंदर 01 to 08 से हमें नंबर लेना है किस चीज का, जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं उस नंबर, उस चीज का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 636.12 01 to 08 तक के नंबर हमें लेना है। जीरो एट में ऑनर्स मार्किंग, ठीक है, ब्रीडिंग एट क्या, केयर एंड मेंटेनेंस, 84 फीडिंग, 85 89 is veterinary science। तो हमें यहाँ पे देखना है 8 to base number 636.89, यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 89, ठीक है, 89, और उसके बाद फिर हमें ऐड क्या करना है, ए टू बेस नंबर 636.089 द नंबर फॉलोइंग 619, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, एनाटॉमी ऑफ लंग्स, तो एनाटॉमी ऑफ लंग्स आपको कहाँ मिलेगा, एनाटॉमी में 610 में आपको जाना पड़ेगा, और एनाटॉमी का नंबर है 611, एनाटॉमी का नंबर है 611 और 611 के बाद उसका सब डिविजन होगा लंग्स, लंग्स का नंबर क्या मिला था आपको 611 में, सर 0.24, 0.24, ये रहा लंग्स, तो लंग्स का नंबर एनाटॉमी में बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, 611.24, ओके। अब हम वापस जाते हैं अपने नंबर पे,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, एट द बेस नंबर 636.089 द नंबर फॉलोइंग 61 इन 610 to 619। तो एनाटॉमी ऑफ लंग्स में हमें मिला 611.24। तो यहाँ के रूल के हिसाब से हमें कौन सा नंबर कट कर देना है, 61। यस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द नंबर फॉलोइंग 61, 61 के बाद के जो नंबर है वही हमें लेना है, तो ये 61 कट हो जाएगा और ये नंबर है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐड होगा तो आपका फाइनल नंबर यहाँ पे इस तरह से बनेगा 636.1089124, ये नंबर आपका यहाँ पे बनेगा। आया समझ में ये? यस सर। ठीक है, थोड़ा घूमना पड़ेगा, डेफिनेटली घूमना पड़ेगा। हाँ बोलिए। पर जो हॉर्स का नंबर था 599.725 में, सर उसमें भी यही सेम चीज लिखा हुआ था हॉर्स के लिए, जैसे वहाँ लिखा हुआ इक्विडे और फिर ब्रैकेट में हॉर्स लिखा हुआ सर, तो सर सेम ही है। यस सर। लेकिन वो बायोलॉजी, वो जूलॉजी है, एनिमल साइंसेस। सर एक बार जूलॉजी वाला नंबर भी चेक करवा दीजिए प्लीज। हाँ, थोड़ा जूलॉजी वाला भी चेक कर लेते हैं। जूलॉजी, फाइव नाइन नाइन में ना? यस सर, तो 591 था। 591, 599 सर, 591 में सर एनाटॉमी है और 599 में सर हॉर्स का नंबर है। अब जो अलग अलग नंबर है जो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो वहां पे तो हम बना ही नहीं सकते हैं। सर 725 है हॉर्स का नंबर इसमें। जूलॉजी। अच्छा, यहाँ क्या मिला आपको, एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, दैट इज इन 4। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका नंबर ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, ब्लॉक हो जा रहा है ना? यस सर। यहाँ पे इसमें नीचे लिखा हुआ है ना सर, फॉर पैथोलॉजिकल एंड, कहाँ पे, 4 के नीचे ही सर। 4 के नीचे क्या लिखा है, ये सारे सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ये सब। सर तो सर फिर हम लंग्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में नहीं लेंगे? वो आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका नंबर जो है ना वो वहां पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लेते हैं, आपका नंबर केवल एनाटॉमी ऑफ हॉर्स नहीं है, एनाटॉमी ऑफ लंग ऑफ हॉर्स नहीं है, और वो भी होता तो भी फिर आपको उधर ही जाना पड़ता। ठीक है, तो सर यहाँ से नहीं बनेगा ना? हाँ, यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल एनाटॉमी मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर हॉर्स कहाँ ढूंढोगे आप, हॉर्स कनेक्ट करने का नहीं है, है ना? हाँ सर, कनेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है वहां पे तो समझिए वहां पे आपका नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं 599, 599 में क्या था, वहां पे हॉर्स होगा। यस सर, लेकिन वहां भी कनेक्ट नहीं होगा आई थिंक। 599 डायरेक्टली मैमल्स में से सर्च करके लिया हॉर्स को। 599 पॉइंट क्या था? 7 7 5 है सर, सर ये सबसे ऊपर है, 599 में 75। ये वाला ये 725। ओके, अब यहाँ पे एस्ट्रक साइन दिया हुआ है। ठीक है,
लेकिन अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 599 क्या है मैमल्स है. ओके अब यहाँ पे इसके 592 टू 599 में आपको जाना है. ये था 592 टू 599. ठीक है अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे आपको सब डिविजन नहीं मिलेंगे कि जो आप कल एनाटॉमी ऑफ लंग्स बना दें. ठीक है yes. अब यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड सब डिविजन इसका कोई यूज नहीं है, इसका भी कोई यूज नहीं है, इनका भी कोई यूज नहीं है, 916 का भी कोई यूज नहीं है, 9093 टू 099 का भी कोई यूज नहीं है. जनरल प्रिंसिपल एक यहाँ पे सर, इसमें एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम 5912 8204 द नंबर फॉलोइंग 591 इन 591.1 टू 591.8. फाइव नाइन वन में आपको यहाँ पे एनाटॉमी 591.4. ठीक है क्लास एनाटॉमिकल एम्ब्रियोलॉजी हियर, माइक्रो एनाटॉमी हियर, पैथोलॉजी हियर. ठीक है और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के वो लिखा हुआ, लंग्स कहीं नहीं मिल रहा है यहाँ पे. एनाटॉमी ऑफ लेग ऑफ एब्डोमेन यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें लंग्स नहीं मिल रहा है. यस सर. ठीक है इसलिए फिर या तो हम ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं कि लंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है लेकिन yes, हमें जब वहां पे मिल रहा है तो फिर हम वहीं पे लेंगे उसे. yes. ठीक है ना. और मोर और उससे भी ज्यादा ये डिपेंड करता है कि बुक का कंटेंट क्या है, बुक के कंटेंट के ऊपर, क्या वो जूलॉजी की बुक है या फिर एनिमल हस्बेंड्री की बुक है. और जब भी कोई डोमेस्टिक एनिमल्स आ रहा है तो उसको आपको यानी उसको आप ट्राई कीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री में ही ले, वो एनिमल हस्बेंड्री में ही जाएगा. जैसे काऊ आ गया. ठीक है गाय भैंस. आप बोलिए बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए सर. बोल रहे हैं आप ये बार समझा दीजिए, हमें समझ नहीं आया 66 वाला ही सर. क्या समझ में नहीं आया? तो सर अभी आपने ये बनाया ना एनाटॉमी ऑफ लंग्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सर समझ नहीं आया मुझे. ये समझ में नहीं आया जी सर. ये देखिए 636 में हम जाएंगे सबसे पहले. ओके फर्स्ट स्टेप एनिमल हस्बेंड्री में हम जाएंगे क्योंकि हॉर्स है, हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो उसके चांस ज्यादा होते हैं कि वो एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट है. तो एनिमल हस्बेंड्री में जब आप जाओगे तो वहां पे 0.1 जो है वो आपको मिलेगा. हॉर्स देखिए यहाँ पे हॉर्स मिला. ठीक है तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल में क्या लिखा था, 82 बेस नंबर 636.10 दिख रहा है ना आप सभी को. रुके थोड़ा मैं बड़ा कर. yes. ठीक है 82 बेस नंबर 636.10 द नंबर फॉलोइंग 636.0 इन 636.01 टू 636.08. ठीक है तो 636.01 टू 636.08 में से हमें वो नंबर लेना है. ठीक है यानी कौन से नंबर लेना है, 636.0 के बाद के नंबर. तो यहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे तो वहीं आपको मिल जाएगा
89, ठीक है, ये 89 आपको मिल गया ऊपर ही, ये 636.089 वेटरनरी साइंस, ठीक है, जीरो, तो यहाँ पे 0636.0 को हमें छोड़ देना है, 636 इसको छोड़ देना है और ये जीरो को छोड़ देना है, हमें क्या लेना है, केवल 89 लेना है, तो हमने यहाँ पे 89 ऐड किया, ओके। फिर यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन है इसको हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन थोड़ा नीचे कर देंगे, जीरो को छोड़ देंगे, जीरो इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है, देखिए एड टू बेस नंबर 636.10 द नंबर फॉलोइंग 636.0, आया समझ में? नहीं सर, नहीं आया, यानी ये लिखा है कि 636.1 एड टू बेस नंबर, ये हमारा बेस नंबर है 636.10, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो हमने लिखा है, और यहाँ पे लिखा है एड टू बेस नंबर 636.10, तो हमने हमारा बेस नंबर बना लिया 636.10, द नंबर फॉलोइंग इन 636.0, ठीक है, यानी 636.0 के बाद के नंबर लेना है कहाँ से, इन 636.01 या से 2636.08, ठीक है, तो यहाँ पे वेटरनरी साइंस का हमें नंबर क्या मिल रहा है 636.089, मैं लिख देता हूँ एक बार तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, वेटरनरी साइंस का नंबर है 636.089 और यहाँ पे क्या लिखा है एड टू बेस नंबर दिस, ठीक है, बेस नंबर क्या है ये, एड टू बेस नंबर दिस द नंबर फॉलोइंग 636.0, ठीक है, इन 636.01 to 08, तो ये 01 to 08 के बीच में आ रहा है, 089 है, ठीक है, तो 89 हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, तो 89 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, आ गया समझ में? यस सर, ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, फिर हमारा नया बेस नंबर बन गया, नया बेस नंबर क्या बना हमारा 636.1089, तो अब यहाँ पे लिखा है एड टू बेस नंबर 636.09, यानी हमारा नंबर ये है, ठीक है, इसलिए हमने वन हमारा लिया हुआ है, ठीक है, तो ये 09 इसके संदर्भ में कह रहा है, तो हमारा बेस नंबर ये नहीं हो जाएगा, हमें केवल ये देखना है 89 के बाद हमें ऐड करना है, ठीक है, 89 के बाद हमें ऐड करना है, ये मत सोचेगा कि यहाँ पे वन क्यों नहीं है, हमारे इसमें तो वन है, ठीक है, और यहाँ पे वन नहीं है, लेकिन ये जो है इंस्ट्रक्शन वो इसके लिए है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, तो हमारा जो नंबर है उसके साथ में हमने 89 ऐड कर दिया और 89 के बाद ही हमें नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो एड टू बेस नंबर, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये डैश हो गया, ठीक है, डैश 89 द नंबर फॉलोइंग 61 इन 610 to 619, ठीक है, तो 610 to 619 में से हमें नंबर ढूंढना है और 61 के बाद के नंबर हमें लेना है, तो हमने 610 to 619 हमने ढूंढा और उसमें एनाटॉमी ऑफ लंग्स का नंबर मिला 611.24, ठीक है, और यहाँ के रूल के हिसाब से हमें 61 को छोड़ देना है, तो 61 हमने यहाँ पे कट कर दिया, तो हमारा बाद में जो बचा हुआ नंबर है वो है 124, तो हम फिर 124 को ऐड कर लेंगे अपने नंबर में, तो हमारा नंबर हो जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 636.1089124, आ गया समझ में अब? यस सर, यस सर, ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया ना, ठीक है, यस सर, ओके, तो ये नंबर देखिए मेडिकल साइंस के, रेस्पिरेटरी साइंस के, ये एनिमल हस्बेंड्री के, जूलॉजी के, अगर इस तरह की बीमारी या उनके पार्ट की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी इस तरह का कुछ मिक्स करके नंबर आ गया ना एग्जाम में, तो वो सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, वो सारे नंबर ऐसे ही बनेंगे, आपको 2-3 जगह से क्लब करना पड़ेगा, लेकिन क्लब ऐसे नहीं होगा कि हम डायरेक्ट 2 जगह से नंबर उठा के हमने क्लब कर दिया,
आप क्लब कैसे करोगे, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, जहां जहां पे इंस्ट्रक्शन मिलते जा रहे हैं और आपको आगे बढ़ते जाना है, और उसके लिए इस तरह से आप लिखते रहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ऐसे लिखते रहना पड़ेगा। सर इसको डिस्क्राइब करके कैसे लिखेंगे, मतलब इसको इसकी एनालिसिस आप कैसे लिखोगे, इसकी एनालिसिस 600 आप 600 लिखिए, अप्लाइड साइंस या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नोलॉजी जो भी है वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3636 एनिमल हस्बेंड्री, सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट वन हॉर्स, ठीक है, और उसके बाद 636.101 to 108 जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या नंबर लोगे, 89 फ्रॉम 636.089, ठीक है। कहाँ से लिया आपने 89, यहाँ से लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगे 124, 124 आप किस चीज के लिए ले रहे हो, लंग्स फ्रॉम 611.24, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर बनाना है एंड इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। 636.1 है, ठीक है, हॉर्स का, 89 है वेटरनरी साइंस का जो यहाँ से लिया, 124 है एनाटॉमी ऑफ लंग्स का जो यहाँ से लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ भी यही चीज आप रिपीट कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये पूरा करने के बाद या कहीं भी आपको एक बॉक्स में फाइनल जो नंबर है आपका वो आपको बना देना है। अगर वो मिसिंग रहा ना तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल पता चला केवल एनालिसिस करके आ गए आप, तो ये पूरा नंबर जो है वो आपको लिखना ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। 636.1089124 ये आपको कहीं ना कहीं लिखना होगा, ठीक है। सर इसको सिंथेसिस बोलते हैं, क्या हुआ सर, इसको जो एक साथ लिखने लिखे हैं उसको सिंथेसिस बोलते हैं ना। सिंथेसिस ये है, ये फाइनल नंबर है, ये सिंथेसाइज्ड नंबर है, ठीक है। और प्रोसेस ये है हमने कैसे सिंथेसाइज किया उसको, ठीक है। फाइनल वो तो फाइनल सिंथेसिस ये प्रोसेस है और ये फाइनल वो आ गया है प्रोडक्ट, ठीक है। आगे समझ में ये एग्जांपल आप लोगों को, यस सर, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है देख लीजिए आप। मैं इसको उस पे एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सर मेरे को एक चीज बोलना है। हाँ बोलिए। ये लंग्स का नंबर 616 में भी आ रहा है 0.24 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लग करके ऑफ लंग्स है। हाँ वो मैं मुझे पता है। देखिए 616 में भी आएगा, 617 में भी लंग्स मिलेगा। 616 जो है ना वो डिसीज है, तो वो डिसीज ऑफ लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और 617 जो है वो सर्जरी है, तो वो सर्जरी ऑफ लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और 611 जो है वो है एनाटॉमी, तो वो एनाटॉमी ऑफ लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। 612 में भी मिल जाएगा आपको शायद, तो 612 क्या है, 612 है फिजियोलॉजी, तो वो फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसका संदर्भ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं भी लंग्स मिल गया और उसको सीधा ले लेना है वो नहीं। आपको कहीं लंग्स मिल रहा है तो आप पहले उसकी मेन क्लास देखिए कि उसका संदर्भ क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, ठीक है।
हम एनाटॉमी ढूंढ रहे हैं और अगर आप फिजियोलॉजी में नंबर बना दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। हम एनाटॉमी ऑफ लंग्स की बात कर रहे हैं, आप सर्जरी ऑफ लंग्स में नंबर बना दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। Am I clear or not? Yes, yes sir. Clear, yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Okay. ये यहाँ पे आप, मैं उसको paste कर देता हूँ. ये, ठीक है. इसको आप या तो note कर लीजिए, screenshot ले लीजिए, जिसे करना है वैसे आप कीजिए, ठीक है. ये सारे numbers गलत हो रहे हैं. यहाँ पे कहीं आप main class में भी नहीं पहुँचे. एनिमल हस्बेंड्री याद रखिए, ठीक है सर. मेरा था, हाँ आपका एनिमल हस्बेंड्री तो बताया तो नहीं yes, सर. वो मैंने गलत नंबर बता दिया शुरू में, 617 बताया, 636089 तक आया था, उसके बाद नहीं समझ आया कैसे बनना. ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या था, ये सारा आपने नोट कर लिया ना, इसको क्लियर कर दूं सभी को मैं. यस सर. यस सर. ठीक है ओके. अब लास्ट वाला हमारा एग्जांपल था, क्या था, सर्जरी ऑफ आई थ्रू फोटोथेरेपी. आईज थ्रू फोटोथेरेपी. ओके तो ये नंबर कहाँ जाएगा, इस क्या बनाया इसका आपने, सर्जरी है तो सर्जरी का नंबर क्या है, 617.71. बताइए क्या क्या नंबर बना, 7.1. ओके और कोई नंबर, 617.71. बस ठीक है. और सर और भी है, हाँ सर आगे भी है, आगे भी है, बोलिए. 06 06 831 831. ओके और कोई नंबर, 7.1. ठीक है ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है ना, ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं. सर्जरी आपने मेन क्लास को सभी ने आइडेंटिफाई सही कर लिया, 617 इज सर्जरी. अब 617 में जाएंगे और उसके बाद आपको वहां पे आईज ढूंढना होगा. ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है. इसके बाद आपने क्या लिया था, सर्जरी ऑफ आईज 7.1, पैथोलॉजी एंड सर्जरी ऑफ आईज. क्लास पैथोलॉजी एंड सर्जरी ऑफ आईज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज एंड पार्ट्स ऑफ आईज विद द सब्जेक्ट डायग्नोसिस. यहाँ पे आपने 7.1 लिया है ना, यस सर. 7.1 नहीं आएगा, 7 ही आएगा यहाँ पे.
यहाँ पे आपको ऑप्थेल्मोलॉजी ही लेना है, ठीक है। 7-1 में नहीं जाएंगे आप केवल 7 लेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब रिलेटेड टू आईज, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आईज ही होता है, आईज यानी सब कुछ, आईज के सारे पार्ट्स कवर कर लेता है ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। कि सर पॉइंट 7-1 में सर्जरी ऑफ आईज लिखा हुआ है स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे पैथोलॉजी एंड सर्जरी लिखा हुआ है, ठीक है। पैथोलॉजी लिखा हुआ है ये, ठीक है। सर्जरी के लिए जो पैथोलॉजी करते हैं ना, उसके बारे में है। और अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आपका नंबर इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है सर्जरी के लिए जो पैथोलॉजी करते हैं, जो रिपोर्ट्स निकलाते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल, वो होता है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट साइन या कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सर उसके लिए तो होना चाहिए था पैथोलॉजी फॉर सर्जरी ऑफ आई, ऐसे लिखा रहता था तो समझ में आता है। यहाँ पे अब लिखा हुआ है तो अब क्या करेंगे, सही। लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्थेल्मोलॉजी लेना होगा। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब है आईज ही होता है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है, ठीक है। अगर आप ये लेंगे तो इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, और अगर आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो वो नंबर आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। जब लेकिन अगर आप ये लोगे तो आप इससे आगे फिर सोच सकते हो कि इसके आगे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब आप 7 लेंगे तो आपका बेस नंबर होगा 617.7, और उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट साइन दिया हुआ है, और उसके थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं 617 पे। और जब आप 617, रुके मैं पहले वो लिख देता हूँ, 617.7, ठीक है, प्लस। अभी अगर 7-1 लोगे तो फिर वहीं पर आपका नंबर खत्म हो जाएगा, फिर आप वहां पे आगे नहीं बढ़ सकते। 617 नंबर है, अब उसके बाद हमें जाना है 617 में। अब यहाँ पे थेरेपी लिखा हुआ है, देखिए 06 इज थेरेपी, 61 इज ड्रग थेरेपी, 62 69 अदर थेरेपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 8207 नहीं, यहाँ पे 8206, तो हमें यहाँ पे 06 ऐड करना होगा, 06, ठीक है, 8206, द नंबर फॉलोइंग 615.8, ठीक है, 615.8 के बाद के नंबर लेना है, कहाँ से 615.82289, ठीक है, 615 में जाना है, और वहाँ पे 82289 के बीच में हमें नंबर ढूंढना है। सर इसमें अदर थेरेपी जो लिखा है 62 से आगे, तो उसको हम एक बार चेक नहीं करेंगे, उसमें आगे कहीं सर्जरी तो नहीं लिखा हुआ है ऐसे करके? कहाँ पे अभी आपने जो बताया, हाँ। चेक करना, 06 जो ऐड किया आपने बेस नंबर में, हाँ, उसमें लिखा है 062 से 69 या 68 तक, हाँ, जाने के लिए, वो नहीं चेक करेंगे? वही तो कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना 615.82 से 615.89 में हमें जाना है, तो वही हम जा रहे हैं, वही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ओके सर, 615.8 में जाना है ना हमें, 82289, तो ये 615.8 में हम पहुंच गए, ठीक है, ये 615.8 है ना, फिजिकल एंड अदर थेरेपीज। और यहाँ पे देखिए फोटो थेरेपी लिखा हुआ है, फोटो थेरेपी एंड रिलेटेड थेरेपीज, तो ये क्या है 83, तो हम 83 में जाएंगे, 83 में आ गए, ठीक है, फोटो थेरेपी एंड अदर थेरेपीज। तो यहाँ पे फोटोथेरेपी का नंबर दिया हुआ है 831, ठीक है। तो हम अब इसके साथ में, अब फोटोथेरेपी का नंबर अगर आप देखोगे तो क्या बना, 615.831, और वहां पे जो इंस्ट्रक्शन है, अब वो इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं 8206 द नंबर फॉलोइंग 615.8, ठीक है ना। तो 615.8 के बाद के नंबर हमें चाहिए, तो ये 615.8 यहाँ पे से कट हो जाएगा और इसके बाद बचा क्या 31, ठीक है। तो 31 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 31, तो हमारा नंबर जो है वो क्या बन जाएगा 617.70631, ये हमारा नंबर बन जाएगा फाइनल। 615 हमने कट किया, क्या हुआ 615 हमने कट क्यों किया, यहाँ पे लिखा है ना, रुके मैं ये थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको शायद ज्यादा दिखेगा, क्लियर, ठीक है, ये दिख रहा है ना, क्लियर रीड कर पा रहे हो? यस सर, है ना। अब यहाँ पे लिखा है 8206 द नंबर फॉलोइंग 615.8, ठीक है, इन 615.822 615.89, तो नंबर कौन से लेना है, फॉलोइंग 615.8, फॉलोइंग 615.8 का मतलब है 615.8 के बाद के नंबर, उसको जो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमने 615.8 कट कर दिया, तो उसको फॉलो क्या कर रहे हैं, 3 and 1 फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 and 1 ऐड करेंगे, ठीक है सर। और सर हमने ये 3 1 कहाँ से लिए, 3 1 ये यहाँ से लिया है ना, 615.831 फोटोथेरेपी का नंबर है, 615.831 से हमने 3 1 लिया है, सिमिलर हो रहे हैं इसीलिए हमने कट किया इसको 651 को, सिमिलर हो रहे हैं ना, यहाँ पे इस पर रूल्स हमें कट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 8206 द नंबर फॉलोइंग 615.8, यानी 615.8 के बाद के नंबर हमें ऐड करने हैं, तो उसके ये जो फोटोथेरेपी का नंबर बन रहा है 615.831, तो 615.8 हमने कट कर दिया, जो रूल लिखा है वो हमने फॉलो किया है, सर। ये जो 615.82 और 615.89 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारा नंबर से उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमारे नंबर से उनका कुछ लेना देना नहीं है, हमें वहां से जो हमें नंबर चाहिए बाकी आगे का वो नंबर हमें लेना है। तो हमारा एग्जांपल क्या था, हमारा एग्जांपल था सर्जरी ऑफ आईज थ्रू फोटोथेरेपी, तो यहाँ पे सर्जरी ऑफ आईज तो हमारा यहाँ पे बन जा रहा है, देखिए इतने में 617.7 यानी सर्जरी ऑफ आईज, लेकिन फोटोथेरेपी कहाँ है, फोटोथेरेपी के लिए फिर हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया और यहाँ पे थेरेपीज लिखा हुआ है, और थेरेपीज हमें अदर थेरेपी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8206, ठीक है, ये 06 हमने लिया ये थेरेपी के लिए, द नंबर फॉलोइंग 615.82 615.8 in 615.82 to 615.89, ठीक है, तो 615.82 to 615.89 के बीच में हमें ढूंढना है फोटोथेरेपी का नंबर, तो फोटोथेरेपी का नंबर हमें मिला 615.831 पे, ठीक है, और यहाँ पे रूल एज पर रूल्स हमें नंबर कौन सा लेना है, नंबर फॉलोइंग 615.8, तो 615.8 को हम हटा देंगे, उसके बाद का जो नंबर है वो हम ले लेंगे, कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि हम मतलब मैं अपना बता रही हूँ बाकी को पता नहीं कि हम ना इंस्ट्रक्शंस भी नहीं समझ पाते हैं कई बार, यहाँ पे जैसे आपने कट किया, अब फॉलोइंग नंबर का मतलब हमें नॉर्मली पता है कि वही फॉलो करने वाला नंबर जो हमें फॉलो करना है, नहीं हमें फॉलो नहीं करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर्स फॉलोइंग 615.8, यानी जो नंबर 615.8 को फॉलो कर रहे हैं वो नंबर, तो 615.831 में 615.8 को फॉलो क्या कर रहे हैं, 31 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, द नंबर फॉलोइंग, देखिए द नंबर फॉलोइंग 615.8 इन 615.82 to 615.89, तो ये 228 के बीच में आ रहा है ना, 3 है तो 228 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और अब हमें नंबर कौन सा लेना है,
द नंबर फॉलोइंग 615.8, तो इस नंबर में 615.8 को फॉलो कौन से नंबर कर रहे हैं, ये दो नंबर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 31 इज फॉलोइंग, ये जो 31 है ये 31 फॉलो कर रहा है 615.8 को, तो 615.8 को जो नंबर फॉलो कर रहा है वो हमें लेना है, तो उसको फॉलो कर रहा है 31, तो हम 31 लेंगे। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन का तो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी डीडीसी में हर जगह इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आपको। ये शायद मैंने पहली या दूसरी क्लास में ही कहा था कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन पूरी डीडीसी में आपको मिलेंगे, और इस इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है। और एक बार आप समझ गए ना कि द नंबर फॉलोइंग 615.8 और व्हाटएवर, तो जिस उस नंबर को जो फॉलो कर रहे हैं वो नंबर ही आपको लेना है। जैसे उसके नीचे यहाँ पे देखिए 8207, द नंबर फॉलोइंग 616.07, तो 616.07 के बाद के नंबर आपको लेना है, चाहे वो 129 के बीच में कुछ भी नंबर हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल डायग्नोसिस 07554, तो यहाँ पे 07 आपका कट जाएगा, नहीं आएगा, आपको केवल 54 ही लेना होगा, तो यहाँ पे 07 ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, तो 754 वैसे ही बन जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन आप समझ जाइए कि अगर इस तरह से लिखा हुआ हो 8 to base, या तो यहाँ पे 06 लिखा है या तो बेस नंबर लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा, 8 to base number दिस द नंबर फॉलोइंग दिस इन दिस, ठीक है, ये पूरा लॉजिक है इसका, इसी तरह से आपको बनाने होंगे नंबर। सर लॉ वाले सेक्शन में से क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या? लॉ वाले में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से आएंगे वहां से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल कहीं से भी आएंगे, लेकिन जनरली लिटरेचर का एक आ जाता है, लिटरेचर या लैंग्वेज में से एक आ जाएगा, मेडिकल साइंस में से एक आ जाएगा, सोशल साइंस में से एक आ जाएगा, हर क्लास में से एक एक क्वेश्चन आता रहता है। सर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 7, मैं आपको देखिए पेपर बताता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो 7 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 आंसर करने पड़ते हैं। देखिए दिख रहा है ना आपको, मैंने ओपन किया ये, यस ये डीडीसी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और ये आंसर आप लोगों ने लिख लिया है ना इसका, सर्जरी ऑफ आईज, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, अब यहाँ पे 1.5 hour मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज 7 marks, क्लासिफाई एनी 5 आउट ऑफ गिवन टाइटल, ठीक है, 7 में से आपको कोई 5 करने हैं, ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स यूजिंग 19th एडिशन ऑफ ड्यूओडेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डीडीसी को यूज करके आपको ये नंबर बनाने हैं। अब मैं वहां पे डीडीसी मिलेगा सर? मिलेगा डेफिनेटली, नहीं मिलेगा तो कैसे बना लोगे आप? मिलेगा मिलेगा सर, हाँ बोलिए, सारे बच्चों को डीडीसी मिलना 1.5 घंटे के अंदर, और इतने बच्चे सबको मिलेगा, इंडिविजुअली सबको मिलेगा सर, पेपर ही टोटल 1.5 घंटे का है। हाँ पेपर 1.5 घंटे का है, लेकिन सबको इंडिविजुअल कॉपीज मिलेगी वहाँ पे। सर इसमें एज या टू इंक्लूड है इस पेपर में? नहीं नहीं, वो पार्ट टू है उसका, 1.5 hour उसका अलग होता है। ओके सर, ठीक है, यानी आपको 5 question करने के लिए 90 minutes मिल रहे हैं, 90 minutes में आपको 5 question करने हैं, ठीक है, तो 15 minutes लगभग 15 से ज्यादा और 20 से कम मिनट्स मिल रहे हैं पर क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आपको उसका आंसर बनाना है और उसकी एनालिसिस करना है, ठीक है, तो लेकिन आप ये मत भूलिएगा एग्जाम में कि उसका पूरा एनालिसिस के चक्कर में आपने पूरा ढूंढा, अलग अलग लिखा और उसको एनालिसिस में लिख दिया, फाइनल आंसर आपको बनाना है, फाइनल आंसर लिखना है आपको, वो नहीं भूलना है, ठीक है।
सर जैसे फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे, इस तरह का आएगा आपको, देखिए ठीक है, इस तरह से आएगा टाइटल टू बी क्लासिफाइड, ये टाइटल है वोल्केनोस ऑफ नॉर्थ जापान, क्लास नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी जो फाइनल नंबर, क्लास नंबर असाइन मतलब फाइनल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद एनालिसिस जो है वो इतने में ही करना है, फिर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, और तो एनालिसिस आपको 5-6 लाइन में करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं खींचना है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना फिर वही लीजिए, ठीक है, वोल्केनोस ऑफ नॉर्थ जापान, रेनफॉल इन मुंबई इन 2005, लॉ अगेंस्ट किडनैपिंग इन बांग्लादेश, ठीक है, देखिए इम्यूनिटी अगेंस्ट चिकन पॉक्स इन नेपाल, संस्कृत हिंदी डिक्शनरी, यहाँ पे बेस नंबर क्या बनेगा, संस्कृत बनेगा, पर्सनल मैनेजमेंट फॉर लाइब्रेरियंस, तो ये लाइब्रेरी साइंस में जाएगा, और वहाँ पे फिर पर्सनल मैनेजमेंट आएगा, वहाँ पे मैनेज लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, ठीक है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये पॉलिटिकल साइंस में आएगा, ठीक है। सर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई नंबर जो है उसके लिए टेबल यूज करना है या नहीं? वो तो सिखाया है ना मैंने, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वही तो मैं सिखा रहा हूँ इतने दिन से, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इतने दिन से, क्या सिखा रहा हूँ सर? इसके अंदर एक क्वेश्चन अभी आया है रेनफॉल इन मुंबई 2015 का, तो ये तो बहुत रीसेंट की बात है, मतलब अभी 22 चल रहा है, 7 साल पहले, तो उसके अंदर क्या बुक में मेंशन होगा 2015 या हमें किस टाइम का, क्या 2015 मेंशन नहीं होगा? देखिए 2015 पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होगा, आप उसके बाद का नंबर ले लीजिए, देखिए मैं रुकिए टेबल 2, ठीक है, टेबल 2 में अगर आप जाएंगे, टेबल 1 में हिस्टोरिकल पीरियड, पर्टिकुलरली 2015 को आप मेंशन नहीं कर सकते वहां पे, देखिए आपको ये लेना पड़ेगा 0905, ठीक है, अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक आ रहा है ना कि 2015 या 2016, तो वो स्पेसिफिक आंसर आप नहीं बना सकते, आपको पूरा ये सेंचुरी वाला लेना पड़ेगा, 21st century, ठीक है, okay. ये चीज आपको ध्यान में रखना है सर। रेनफॉल कौन सी मेन क्लास में आएगा? रेनफॉल ज्योग्राफी में आना चाहिए, ज्योग्राफी में आप 9 में देखिए, अगर 9 में आ रहा है क्या, या फिर जूलॉजी में आएगा, दो में से एक में आना चाहिए, क्या करना है उसका सर? जो उसके साइटेशन है वो आपने बता दिए हैं क्या? 7 के साइटेशन वो अलग पेपर है ना, मैं डीडीसी पढ़ा रहा हूँ अभी, आप बनाइए उसको, 7th MLA 7th की बुक किसी ने शेयर की थी ग्रुप में, उसको फॉलो कीजिए, ठीक
ठीक है, और सॉल्व कीजिए और फिर मुझे भेजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजिएगा, टेलीग्राम के अंदर मैसेज मत कीजिएगा, जनरली मैं वो नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको, है ना। अभी अगर मैं करूंगा तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उसको आप देखिए, सॉल्व करके लाइए, फिर हम उसको वेरीफाई कर लेंगे, है ना। कल सॉल्व कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मेरे को एक ही कंफ्यूजन आ रहा था वो। हाँ ओके सर। सर बस उसमें एक ही कंफ्यूजन था सर, वो वेब लिंक वाला कंफ्यूजन, बाकी तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। किसमें किसमें क्लासिफिकेशन, क्या कंफ्यूजन था? वेब लिंक सर, वेब लिंक अगर न्यूज़पेपर ऑनलाइन है तो वेब लिंक वाला कंफ्यूजन। हाँ तो वेब का जो लिंक आपको दिया होगा एग्जांपल में, वो लिंक आपको लिख देना है। जो लिंक दिया है वो लिंक आपको लिख देना है। अगर लिंक नहीं दिया है तो जहां पे प्रिंट लिखते हैं वहां पे वेब लिख देना है, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें वो नहीं कर रहे हम लोग। मुझे आपको जो बताना है ना, क्या बताना था, मेडिकल साइंस के, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मेडिकल साइंस के, वो आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं ये रेनफॉल वाला भी ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। ये वाला लिख लिया ना सभी ने? जी सर। ओके, ठीक है, ये बनाइए आप, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय नेचुरल थेरेपी।
हो गया सॉल्यूशन? सॉल्व हुआ या नहीं हुआ अभी तक? एक भी नहीं मिला। नो सर। क्यों? कैंसर ढूंढिए ना। कैंसर क्या है? डिसीज है। सिक्स वन सिक्स। ल्यूकेमिया मिला होगा ना कैंसर का? ब्लड कैंसर का आपने दो दिन पहले ही सॉल्व किया था। हाँ सर। तो केवल कैंसर, उसके ऊपर कैंसर है। कैंसर में जाइए, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे सर। उसमें इंस्ट्रक्शन ना सही नहीं दी हुई है सर। उसके हिसाब से बना है 616.99419। रुकिए, 616.99419 ये केवल कैंसर का है, क्योंकि आपको थेरेपीज में जाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एब्स्ट्रैक्ट साइन देखिए, कैंसर जहां पे मिलता है ना वहां पे नीचे एब्स्ट्रैक्ट साइन देखिए। एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अकॉर्डिंग आप वहां पे 616 में जाइए, फिर वहां से 06 थेरेपी होगा। थेरेपी जैसे अभी हमने किया ना, वैसे ही आपको नेचुरल थेरेपी मिलेगा, नेचुरल थेरेपी मिलेगा, कुछ मिलेगा वहां पे। अच्छा ठीक है, देखते हैं और किसी का बना है। सेम है, सेम है, बन रहा है ना? जैसे नीचे वाला बना। ठीक है, चलिए मैं बात देखते हैं, हम अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 616.994 कैंसर ये रहा, ठीक है, कैंसर। अब यहाँ पे ये साइन है, ये साइन का यहाँ पे मतलब दे रखा 618.12, 618.8 पे जाके आपको नंबर लेना है, ठीक है। ठीक है, ये रहा 618.12, 618.8। यहाँ पे 06 22 069 अदर थेरेपीज है, तो आपको फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा। कहाँ पे? अदर थेरेपीज में ना, 615.822 615.89 में, ठीक है।
फिर आप जाएंगे 61 5.82 to 89। यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेचुरोथेरेपी। नेचुरोथेरेपी कहाँ मिल रहा है, कहीं दिख रहा है? फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, फोटोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, मिसेलेनियस थेरेपी, तो इसमें अदर थेरेपी तो ले सकता है। अब यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अदर थेरेपी में उसको ऐड करना होगा, ठीक है? अदर थेरेपीज में उसको ऐड कर दीजिए आप, क्योंकि नेचुरल थेरेपी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा 89 ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं कर सकते। ऑक्यूपेशनल म्यूजिक, डांस, आर्ट सब है, लेकिन नेचुरल थेरेपी नहीं है। तो आपको यहाँ पे अदर थेरेपी ही ऐड करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाहर हम नहीं जा सकते। हमको 2 to 8 में ही ढूंढना पड़ेगा नंबर, ठीक है? तो आपका नंबर यहाँ पे बनेगा, क्या आपने बनाया था? थेरेपी के लिए क्या नंबर था? 9 था, नहीं 9 नहीं, अदर थेरेपीज के लिए 8 9 है। आपका बेस नंबर यहाँ पर सर, इसमें कैंसर पे स्टार का साइन कहाँ पे? ये रहा, ये वाला साइन फॉलो करें, ये रहा, ये एक साइन है ना दूसरा। हाँ हाँ, ये साइन को हमने फॉलो किया। ओके सर। ठीक है, ये नंबर बनेगा कंप्लीट नंबर। ये नंबर होगा सर। 89 में से केवल 9 लेंगे ना उस वहां पर? एक मिनट, इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा हुआ 616.8 के बाद के नंबर लेना है? यस सर। ओके, देख लेते हैं। और सर 06 लेना है। हाँ, मैंने कुछ 09 लिख दिया ना। यस यस यस। हाँ।
हाँ मैंने 09 ले लिया 06 की जगह। ए टू बेस नंबर 06 द नंबर फॉलोइंग 615.8 यस करेक्ट ठीक है तो नंबर होगा 616.994 ये बेस नंबर हुआ फिर 06 ऐड करेंगे फिर 9 ऐड करेंगे ये नंबर होगा 616.994069 ठीक है ये नंबर है। आ गया समझ में आपको ये थेरेपी का यस सर थेरेपी का 9 अदर थेरेपीज अदर थेरेपीज ठीक है ये आ गया आपको प्रोसेस समझ में अदर थेरेपीज तो लिखा है कि 8206 हाँ 8206 8206 द नंबर फॉलोइंग 615.8 इन 615.822 615.89 तो 615.89 नंबर था तो 615.8 कट जाएगा तो लास्ट में 9 बचा तो हमने 9 ऐड कर लिया यहाँ पे ओके सर तो कल एक नंबर आप बोले थे कि बता देंगे कल इंडियन क्राफ्ट्समैन इन जर्मनी हाँ देखिए वो नंबर मैंने देखा या तो उसमें इंडियन क्राफ्ट्समैन मिलेगा या फिर इंडियंस इन यूएसए मिलेगा इंडियन क्राफ्ट्समैन इन यूएसए नहीं बन रहा है ये नंबर शायद है ना ये सीसी का नंबर है सीसी में बनेगा ये डीडीसी में नहीं बन रहा है सर ये तो एग्जाम में आया हुआ था एग्जाम में आया हुआ है ये शायद लास्ट ईयर भी ये वाला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी हमने ट्राई किया था लेकिन लास्ट ईयर भी ये नहीं हुआ था ये नंबर डीडीसी में नहीं बन रहा है या तो इंडियन क्राफ्ट्समैन का एक नंबर बनेगा या फिर क्राफ्ट्समैन इन यूएसए बना लो आप या फिर इंडियंस इन यूएसए बना लो इंडियन क्राफ्ट्समैन इन यूएसए नहीं बन रहा है डीडीसी में वो नंबर क्राफ्ट्समैन तो हैंडीक्राफ्ट्स में मिल जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स का आप ले लीजिए वही क्राफ्ट्समैन हो गया सर वो कहाँ पे मिले आर्ट में आर्ट में 8700 वाले में मिलेगा आर्ट में हैंडीक्राफ्ट्स ठीक है तो हैंडीक्राफ्ट लेके उसके बाद इंडिया लगा दीजिए आप टेबल वन का यूज करके तो हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया हो गया या फिर जो भी हो गया ठीक है या फिर इंडियंस इन यूएसए बना दोगे आप ठीक है या फिर क्राफ्ट्समैन इन यूएसए बना सकते हो लेकिन इंडियन क्राफ्ट्समैन इन यूएसए नहीं बनेगा इंडियंस इन यूएसए बन जाएगा इवन क्राफ्ट्समैन भी नहीं बनेगा क्राफ्ट्समैन इन यूएसए वो भी नहीं बनेगा क्राफ्ट्स इन हैंडीक्राफ्ट्स इन यूएसए बन जाएगा ठीक है तो अलग अलग तरीके से बन रहा है इंडियन क्राफ्ट्समैन इन यूएसए का नंबर नहीं बन रहा है डीबीसी में सर अगर यूएसए की जगह कोई और कंट्री रहेगा तो भी नहीं बनेगा नहीं कोई भी कंट्री में नहीं बनेगा मतलब इंडियन क्राफ्ट्समैन एक साथ नहीं आ रहा है ठीक है इंडियन क्राफ्ट्समैन एक साथ नहीं बन रहा है नंबर वो शायद मुझे लग रहा है सीसी का नंबर है जो डीडीसी में दे दिया है कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन स्कीम्स में ही उसको ध्यान में रख के बनाया गया होता है वो फिर बनते नहीं है कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो डीडीसी में बनते हैं सीसी में नहीं बनेंगे कुछ ऐसे होते हैं जो सीसी में ही बनते हैं डीडीसी में नहीं बनते तो शायद वही होगा वो सीसी का नंबर होगा वैसे क्लासिफिकेशन स्कीम में कोई भी नंबर बनना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं बनते हैं और अगर नहीं बनते हैं तो फिर आपको उसको मोस्ट सुटेबल कैटेगरी में रखना पड़ेगा ठीक है तो आप उसको क्राफ्ट्स इन यूएसए कर सकते हो हैंडीक्राफ्ट्स इन यूएसए कर सकते हो ठीक है
या फिर इंडियंस इन यूएसए कर सकते हो। इंडियंस इन यूएसए करोगे तो उसके अंदर सभी तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स इन यूएसए, इंडियन डॉक्टर्स इन यूएसए आ गया, इंडियन क्राफ्ट्समैन इन यूएसए आ गया, या इंडिया के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो यूएसए में अगर हैं तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। उस तरह से आप रख सकते हो इंडियंस इन यूएसए, वो बन जाएगा, लेकिन इंडियन क्राफ्ट्समैन इन यूएसए नहीं बन पाए। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप कल करके लाइए, मेडिसिन के मैं दूंगा। ठीक है, अब जो है आप लास्ट सर इंडियंस, हाँ इंडियंस इन यूएसए में मेन क्लास क्या बनाएंगे हम? सोशियोलॉजी में बनेगा 305 में, रेशियल एथनिक ग्रुप। तो सर पहले हमें नंबर 305 पहले हमें इनका लेना होगा या फिर? नहीं 305 लीजिए, उसमें देखिए मैं पहले इंडियंस आएगा फिर यूएस आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ओ सर हम देख ले, देख लीजिए 305 में रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप है ना, उसमें चले जाइए। देखिए ये रहा, यहाँ पे आप जाओगे, ये रहा देखिए, पहले आप इंडियंस का बनाइए यहाँ पे और जीरो लगा के फिर यूएसए ऐड कीजिए। जैसे ये चाइनीज इन यूएसए है ना, चाइनीज इन यूनाइटेड स्टेट्स, वैसे इंडियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। ये 51 की जगह केवल 54 हो जाएगा, बस और कुछ कोई चेंज नहीं होगा। नाइन फाइव वन क्यों बन रहा है? ओके हाँ, ये क्योंकि टेबल फाइव से आएगा, तो टेबल फाइव से इंडियंस का जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है आपको, और उसके बाद 073 यूएसए का आ जाएगा, तो इंडियंस इन यूएसए बन जाएगा। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप ये कल करके लाइएगा। ये वाला नोट कर लिया था ना आपने? यस सर।
ठीक है, छह एग्जांपल्स है ये आप कल कीजिए, सारे मेडिसिन से, तो इससे आपका मेडिकल साइंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर कल की क्लास अपलोड कर दीजिए। कल कल की क्लास अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे। हाँ कल की क्लास में अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कल की क्लास अभी अपलोड कर दूंगा, आज की भी अपलोड कर दूंगा, दोनों क्लास आज अपलोड कर दूंगा। हो गया है, नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर हमने पहले दो एग्जांपल लिए थे, एक तो इंश्योरेंस इन इंडिया और सेकंड इंश्योरेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो सर इंडिया वाले का नंबर 368.954 था और डेवलपिंग कंट्री 368.009172323 था, तो सर हमें हमने इंडिया वाले में सिर्फ 954 और इसमें 009 लिया है। जीरो कहाँ लिया हमने? इंश्योरेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज हमने तो नहीं किया था, ये किया था डेवलपिंग कंट्रीज का हमने, हाँ किया होगा शायद, डेवलपिंग कंट्रीज का हमने लिया था नंबर, मैं दिखाता हूँ आपको, वो 1 में से 17 के आसपास कहीं से लिया होगा। ठीक है, वो हमने शायद 17 में से कहीं से लिया है, और इंडिया का नंबर 954 ही है, तो 954 ही हम लेंगे। लेकिन वो तो ठीक है, इंडिया वाले में सिर्फ 954 ले रखा है और इन डेवलपिंग कंट्री वाले में 0091 ले रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ मेरा। इंश्योरेंस इन पहले इंश्योरेंस का क्या था? 368.009172323 368 is insurance. 368 is insurance. Okay. ठीक है, यहाँ पे 00 ओके 00 00954 नहीं, यहाँ पे है देखिए, क्लास ट्रीटमेंट बाय स्पेसिफिक कंट्रीज कॉन्टिनेंट लोकेलिटीज इन मॉडर्न वर्ल्ड इन 368.9। तो जब हम 368.9 पे जाएंगे वहां पे फिर हम इंडिया को यहाँ पे क्लास कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है 429, ठीक है, और इंडिया का नंबर है 54, तो 54 एंड 9 के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे 954 लेंगे, 368.54954, ठीक है। और आपने बोला था कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 00 क्यों लिया हुआ, तो यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज का नंबर है वो आ रहा है 17 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है, और जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है 723 है, हाँ, और ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये 429 के लिए है, इसमें 1 वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 429 है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये वाला 12 ये 009 वाला, इसलिए हम यहाँ पे 009 फिर 172 जो भी है वो हम यहाँ पे लेंगे। आया समझ में? नहीं सर। देखिए ये वाला, देखिए इंडिया के लिए हमने 954 इसलिए लिया क्योंकि उसके लिए जो किसी भी कंट्रीज के लिए जो है वो वहां पे अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है 9 में। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 9 में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है
इंश्योरेंस बाय स्पेसिफिक कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड लोकलिटीज इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग नेशंस जब हम कहते हैं तो वहां पे कोई कंट्रीज का नाम हमें नहीं पता चल रहा है और उसका नंबर 4 to 9 के बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है 0.9 का, ये केवल 4 to 9 के बीच के जो नंबर है उनके लिए ही है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री का नंबर है वो 1 to 7 या 172 ऐसा कुछ है ना जी सर, 1723। हाँ तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। 4 to 9 है यहाँ पे, 1 नहीं है। तो 1 अगर हमें लेना है तो ये हमें ये ऑप्शन नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो फिर हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है 009। हाँ 009 वाला, तो ये 009 वाला लेंगे, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। तो इसको लेने के बाद फिर हम टेबल 2 में जाके वो नंबर ले सकते हैं 1 to 172 या जो भी है डेवलपिंग नेशन के लिए, वो नंबर हम यहाँ से ले लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, चलिए, गुड नाइट फॉर टुडे।